गर्लफ्रेंड भी क्या कुत्ती चीज होती है, नहीं उन्हें पता होता है कि बॉयफ्रेंड को कुत्ता कैसे बनाया जाए। जैसे मुझे ही देख लो, सुबह से वेट कर करके गर्मी में परेशान हो रखा हूँ। हाय बेबी। क्या बेबी यार, बेबी का तो तुमने बाबा बना दिया। सुबह से वेट कर करके पता कितना थक गया हूँ मैं। तुम्हें पता है ना घर पे भैया रहते हैं। घर पे भैया रहते हैं तो क्या, उनके घर पे रहते हुए घर से बाहर निकलना इज जस्ट इम्पॉसिबल। और वैसे भी सारी तुम्हारी गलती है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है, इतनी अच्छी जॉब लेके बैठे हो, एक जॉब भी लगवा सकते हो उनकी। आज अगर उनकी जॉब होती ना तो मैं तुमसे आसानी से मिलने आ सकती थी। अरे अब तुम इग्नोर भी मार रहे हो मुझे। इग्नोर नहीं कर रहा, पहले देख तो लो कर क्या रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ, कल ना उसको टाइम से इंटरव्यू के लिए भेज देना। इतनी जल्दी जॉब भी मिल गई? हाँ। कैसे? ये देखो, ये वर्क इंडिया ऐप, इस ऐप में ना 500 कंपनीज का डायरेक्ट नाम और नंबर दिया है। कॉल करके ना कल ही अपने भाई को इंटरव्यू के लिए भेज देना। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी ऐप है, इसको अभी डाउनलोड करती हूँ मैं। वैसे भी मैं इतने टाइम से सोच रही थी अपनी जॉब स्विच करने का, अब तो आसानी से ही हो जाएगी। देखा जॉब पाना कितना इजी हो गया आजकल। सही कह रहे हो। दीदी कैंडल ले लो। हाथ छोड़ो मेरे, हटो। भैया कैंडल ले लो, सुबह से एक कैंडल नहीं बिकी, बहुत भूख लग रही है। कहाँ से आ जाते हैं लोग, इसे भगाओ यहाँ से। तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम इन लोगों के चक्करों में क्यों आते हो? कितने की थी? 10 की 3 भैया। मेरे पास खुले नहीं है, तुम ऐसा करो ये रख लो। थैंक यू भैया। हद करते हो, इन लोगों के मुंह लगने की क्या जरूरत है तुम्हें? यार बच्चा ही तो है, आखिर अपने सामान के पैसे मांग रहा है, कौन सा फ्री में भीख मांग रहा है। इन लोगों के मुंह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, तुम बिल्कुल नहीं समझते हो। तुम क्यों मूड खराब कर रहे हो अपना, चलो कुछ खाने चलते हैं। चलो लेट्स गो। क्या खाओगे तुम बताओ? फिलहाल मुझे भूख नहीं है, मेरे लिए बस पानी मंगा दो। पानी? एक्सक्यूज मी वेटर, 2 ग्लास पानी प्लीज। पानी तो आ रहा है, जब तक डिसाइड तो कर लो खाना क्या है। अच्छा तुम वेज खाओगे नॉन वेज? मैं वेज खाऊंगी। इंसान ही तो है, गलती होगी तो क्या हो गया इसमें। तुम छोड़ो यहाँ से, चलो मुझे कुछ भी नहीं खाना यहाँ। आई एम सॉरी, इट्स ओके। तुम्हारी आज वाली प्रेजेंटेशन भी खराब निकली, जब तुम्हारे बस की नहीं जॉब करनी तो कर क्यों रहे जॉब? लूजर हो तुम, लूजर। यार तुम ना जो मर्जी बोलो, तुम उसको ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तुमने बहुत गलत करा है। तुम इसे गलत बोल रहे हो, उसने मेरी इतनी महंगी ड्रेस पानी गिरा दिया, सारी खराब भी कर दी मेरी ड्रेस। छोड़ो यार इतनी इतनी सी बातों पे ना मूड मत स्पॉइल करो। मूड ना स्पॉइल करूं? आउच, व्हाट द हेल, बदतमीज आदमी, सॉरी भी बोल के नहीं किया है। मजाक तो नहीं लगी? बहुत जोर से लग गई, सॉरी भी बोल के नहीं किया है। अरे उसकी फाइल गिर गई है। तुम्हें उसकी फाइल की पड़ी है, वो मुझे सॉरी तक बोल के नहीं किया है। यार मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें, किसी को बिना सोचे समझे जज मत करा करो, क्या पता कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो लेके। क्या इंपॉर्टेंट, सॉरी तक नहीं बोला, बदतमीज आदमी। मैं उसको फाइल लेके आया, तुम उसी की हेल्प करो जाके। हमारे बस की नहीं जॉब करने, हमारे बस की नहीं जॉब करने, लूजर हो तुम, लूजर, लूजर हो तुम, लूजर। बस यार बस, हार मानता हूँ मैं, अब और साइन नहीं होता। एक्सक्यूज मी बॉस, क्या है बंदी को टक्कर मारने लड़ाई करने आया? अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, एक्चुअली आपकी फाइल गिर गई थी वहाँ पे तो वो देने आया था मैं। अरे थैंक यू बॉस, एक्चुअली मेरा थोड़ा माइंड कहीं और था तो उस सिलसिले में। अरे थैंक यू सो मच बॉस। मुझे नहीं पता आप किस परेशानी में, लेकिन आप जिस भी परेशानी में है ना, ये लाइफ है, हार जीत चलती है, लेकिन हिम्मत मत हारो। चलो लेट्स गो। क्या लेट्स गो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या हो गया, किसी की हेल्प करने में कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? तुम दूसरों की हेल्प करो, कल मिलते हैं। ओफो यार तुम कब तक ऐसे नाराज रहोगी, छोड़ो ना यार कल की बात है, आज तो मूड ठीक करो, आज तो तुम्हारे को शॉपिंग भी करा दी। क्या छोड़ो यार, तुम हमेशा दूसरों की साइड लेते हो, कभी भी मेरी साइड नहीं लेते हो। यार बात ना साइड की नहीं होती, बात होती है सही और गलत की। समझा, घूम दूंगा। आप बैग ले जाओ प्लीज, कुछ करना मत।
तुम ठीक तो? मैं तो ठीक हूँ यार, मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें और सारी ज्वेलरी भी, पता नहीं वो वापस मिले के भी नहीं मिलेंगे यार। कोई बात नहीं, पर्स चला गया तो क्या, तुम तो ठीक हो ना? मेरे ठीक होने से क्या फायदा यार, मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा बैग। दीदी आपका बैग। थैंक यू आप सबको। कोई बात नहीं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। कहाँ से आ जाते हैं लोग, इसे भगाओ यहाँ से। थप्पड़ नहीं वाला जी था, जितना महंगा मेरा आउटफिट है उतनी इसकी सैलरी भी नहीं है। व्हाट द हेल, बदतमीज आदमी, सॉरी भी बोल के नहीं गया। मैंने इन लोगों को बहुत गलत समझा। ये सारी कैंडल मुझे दे दो। और ये लो, और उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। एक सेकंड में आती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत रूडली बिहेव किया था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। गुड जॉब मोहित। क्या बात है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है नहीं? बस मैंने लोगों को जज करना छोड़ दिया है। तुम अच्छा। सही थे, लोगों को बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए। मेरी सुनोगे तो फायदे में रहोगे, तुम्हें मैंने बोला ही है हमेशा। फायदा वगैरह छोड़ो, मुझे शॉपिंग करवाओ, चलो। तो देखा आप लोगों ने, कुछ चीजें ना कभी नहीं बदल सकती, जैसे कि गर्लफ्रेंड की डिमांड्स। पर जो बदल सकता है ना वो है हमारी सोच। तो किसी को भी ना बिना सोचे समझे जज मत करो। हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना ही कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। और हाँ, वर्क इंडिया ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं ना, बड़ी अमेजिंग ऐप है, इजीली जॉब मिल जाएगी। और जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करना, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और हम लोगों को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। लव यू।